वेलकम टू इको एग्जाम। इको एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी से 50 सवालों को जो कम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए, तो आप इस वीडियो क्विज को ध्यान से दीजिएगा। इस तरह से आपका एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, इसका आंसर बताने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड का समय जो कि शुरू होता है अब। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होता है वो होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पर्णकाय स्तंभ सही हो जाएगा। दलहन पौधे संबंधित है, दलहन पौधे जो है लेग्यूमिनेसी से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमिनेसी सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है पुष्प है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पुष्प सही हो जाएगा। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है, कपास मालवेसी कुल से संबंधित इकाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मालवेसी सही हो जाएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए उल्फिया सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वार्गी का जनक कहा जाता है, निम्नलिखित में से लीनियस को वार्गी का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लीनियस सही हो जाएगा। बीज किससे विकसित होता है, बीज बीजांडों से विकसित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बीजांड सही हो जाएगा। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तना काट आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गन्ना सही हो जाएगा। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी साइकस सही हो जाएगा। वर्गीकरण की आधारी इकाई है, वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पीसीज है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज सही हो जाएगा। निषेचन जनक प्रायः किस में दिखाई देता है, अनिषेचनजनक प्राय अंगूर में दिखाई देता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अंगूर सही हो जाएगा। बैगन किस कुल का पौधा है, बैगन सोलनेसी कुल का पौधा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सोलनेसी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है, निम्न में से ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित धान है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ट्रिटिकेल सही हो जाएगा। अदरक क्या है, अदरक राइजोम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइजोम सही हो जाएगा। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है, सुगंधित पुष्पों में परागकण कीट के द्वारा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कीट सही हो जाएगा। गाजर एक है, गाजर एक जड़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जड़ सही हो जाएगा।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसमें उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन फलों में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फलों से सही हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रकंद सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? निम्नलिखित में से आलू एक तना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आलू सही हो जाएगा। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित इकाई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सोलेनेसी सही हो जाएगा। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल अंडाशय से परिवर्धित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अंडाशय सही हो जाएगा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैंगीफेरा इंडिका सही हो जाएगा। किस पौधे का फल फूल के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मूंगफली सी सही हो जाएगा। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भ्रूणपोष सही हो जाएगा। मटर पौधा क्या है? मटर का पौधा एक शाक है। तो ऑप्शन नंबर बी शाक सही हो जाएगा। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना एक बीजीय फल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एक बीजीय फल सही हो जाएगा। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज तने का परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी तना सही हो जाएगा। तंबाकू की पत्तियों में होता है? तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए निकोटीन सही हो जाएगा। आलू का खाने योग्य भाग होता है? आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तना सही हो जाएगा। अवस्तंभ मूल पाई जाती है? अवस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गन्ना सही हो जाएगा। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम थिया साइनेंसिस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी थिया साइनेंसिस सही हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंवला सही हो जाएगा। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश सही हो जाएगा। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी स्तंभ मूल सही हो जाएगा। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ में जड़ हमेशा रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जड़ सही हो जाएगा। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होता है?
पौधे के जड़ों से जो है कॉफी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कॉफी सही हो जाएगा, सॉरी ए कॉफी सही हो जाएगा। निम्न में से एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो प्याज की खेती जो है पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्याज सही हो जाएगा। लौंग होता है। लौंग शुष्क पुष्प कलिका होती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए शुष्क पुष्प कलिका से हो जाएगा। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इफेड्रा से हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें मूलांकुर से विकसित होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मूलांकुर से सही हो जाएगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते उसे जिम्नोस्पर्म और क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगेम से हो जाएगा। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। फूल गोभी के पुष्पक्रम को खाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पुष्पक्रम से हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रेफ्लेशिया से हो जाएगा। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। जिंकको जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जिंकगो से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं। तो सेब एक कूट फल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सेब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। आलू एक जड़ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आलू सही हो जाएगा। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कंद कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कंद सही हो जाएगा। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल जूसिया से मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जूसिया सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेशिया सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्विज। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो क्विज अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो क्विज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा उसे भी प्रेस कर लें जिससे डेली क्विज आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।